हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। रैशनल इंडिया में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के जंतर मंतर लेके आए हैं। एक ऐसी जगह है जो लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। लोकतंत्र की खासियत होती है जहाँ विरोध करने की भी एक जगह दी जाती है। यही एक लोकतंत्र की खासियत होती है जहाँ पे समर्थन के साथ साथ हम विरोध भी कर सकते हैं। दिल्ली में पूरे भारत के लिए जो विरोध करने की जगह दी गई है वो एक छोटी सी जगह दी गई है। हम आज आपको वो दिखाएंगे कि आज भी लोग यहाँ किस तरह से अपनी बातों का जो उनके साथ गलत हुआ है उनका विरोध कर रहे हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार। आप कहाँ से? सर, हम आंध्र प्रदेश के रहने वाले। आंध्र प्रदेश से? यहाँ पे किस चीज़ के लिए आए? मेरे मंग है दो लड़की के वास्ते, मैं यहाँ बैठा सर। आपकी दो लड़कियों के लिए? दो लड़की है सर। एक लड़की के वास्ते, एक लड़की का साथ बलात्कार हुआ था, उसका जबरदस्ती, हाथ मत जोड़िए, जबरदस्ती शादी भी हुआ था। उनको उल्टा इल्जाम लगा को आठ साल हो गए सर अंदर डाल दिया। बच्चे से बात नहीं हो रहा है, बच्चे को मिलने नहीं दे रहे। एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ? हाँ सर, भवानी है उसका नाम, सातवीं क्लास पढ़ने वाला था। उनका साथ हमारा गांव वाले ने लेकर गया, बलात्कार किया, जबरदस्ती दूसरे का साथ शादी करवाया। हम लोग को नहीं पता है, उल्टा मेरा पति की भी अभी अभी मार डाला। अभी मैं पीएम हाउस में ये लेटर देने गया, कई बार दिया था मैंने, पुलिस वाला ने मेरे को कुछ जवाब नहीं दे रहे, भगा रहे पुलिस वाला ने। तो जैसे इसमें मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, आपकी एक लड़की जब स्कूल जा रही थी उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बलात्कार होने के बाद उसकी जबरदस्ती शादी करा दी गई। शादी करवाया, आपको पता ही नहीं चला उसकी शादी किस नहीं पता है। और फिर जैसे आप गरीब का घर था, वो बहुत गरीब लोग है जिसके साथ शादी कराई गई, एक हाथ कटा है, एक हाथ उसका कटा हुआ है, उस कमाने वाला भी नहीं है, उसके पापा भी नहीं है। और जैसे इसमें फंसा दिया, आपने इसमें लिख रखा है कि आपकी लड़की को फिर पुलिस में बंद करा दिया कि वो धंधा करती है। हाँ सर, उल्टा इंजाम लगा कर अंदर डाल दिया सर। आप यहाँ कितने दिनों से हैं? हम 19 दिन से सर। पीने का पानी भी नहीं है सर, बाथरूम का पानी लेकर आओ मैं पी रहा हूँ सर। ये जो हमारी अम्मा जी हैं ये आंध्र प्रदेश से हैं, इन्होंने ये पीएम हाउस में भी एक चिट्ठी लिख के दी, आप देख सकते हैं कैमरे पर। ये कह रही हैं कि ये पिछले 19 दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं। ये कह रही हैं कि इनकी बड़ी लड़की जो भवानी नाम जिसका है वो सातवीं क्लास में पढ़ती थी, जब वो स्कूल जा रही थी तो उसके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उसकी जबरन शादी कराई गई, जिसके साथ शादी कराई गई वो उसका एक हाथ नहीं था और वो खुद बहुत गरीब परिवार से था, जो अपना ही भरण पोषण नहीं कर सकता, इनकी बेटी का क्या भरण पोषण करता। फिर इन लोगों ने इन पर झूठा इल्ज़ाम लगा कर इनकी लड़की पर, जब इन्होंने शिकायत की कि वो धंधा करती है, कह करके जेल में बंद करा दी और इनके पति की भी हत्या करा दी गई है। ये पिछले 19 दिनों से यहाँ पे बैठी हुई है, इनको ना कोई सुनने वाला है ना कोई जानने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ इनके लिए मूलभूत सुविधाएं भी सरकार नहीं दे रही जो विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास पीने का पानी भी नहीं है, ये शौचालय जा रही हैं वहाँ से जो पानी है उसको पी रही हैं। ये भारत का विकास हो रहा है जो आप रात को देखते हो ना, हर जगह देखते हो, टीवी में देखते हो कि विकास हो रहा है, ये वो विकास हो रहा है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से विकास हो रहा है। मेरे को जीने के भी नहीं दे रहे सर, कहीं भी काम में लग जाओ, कहीं शिकायत कर को मेरे को निकाल दे रहे, कहीं भी जाओ, सोने के तकलीफ है, रहने के तकलीफ है, खाने की तकलीफ है, दुनिया से उल्टा सीधा मेरे को शिकायत कर को मेरे को हटा दे रहे। आप रोइए मत, परेशान मत हो। जब भी किसी माँ के, ये भारत, ये माँ है, अगर इस माँ की आंखों में आंसू है तो शायद मैं भारत माता की जय नहीं बोल सकता, मैं कैसे बोलूँगा, ये भी तो माँ है, इसका भी तो दुख समझना होगा। इसकी बेटी जेल में है, उसके साथ बलात्कार हुआ है, आदमी को मार दिया गया है, कौन समझेगा उनको, कौन जानेगा। आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को कभी आना चाहिए, इनकी परेशानियों को जानना चाहिए। भारत बड़ा देश है, उसमें बहुत सारे राज्य हैं और वहाँ पर अलग अलग परेशानियाँ हैं। आपसे कोई भी मिलने नहीं आया? नहीं आया सर, कोई भी नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ से मैं धूप में बैठो, यहाँ बीमारी पड़ा है। आप 19 दिनों से यहीं हो? हाँ सर, मैं कितना तकलीफ दे रहे हैं बाहर, मेरे बच्चा लोग की कितना तकलीफ रहेगा, आप पानी पीजिए, अंदर क्या क्या करेंगे मेरे बच्चा लोग सर। ये डरी हुई है कि इनकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा होगा इस समय, जिनको पता भी नहीं है कि इनकी बच्चियाँ कहाँ हैं, इनको ये जानकारी तक नहीं है कि इनकी बेटी है कहाँ। महिला आयोग है,
और आयोग है, महिला आयोग में दी थी शिकायत? दिए सर, इंटरनेशनल में दिया, राष्ट्रीय महिला आयोग में आपने शिकायत दिया, दिल्ली महिला में भी दिए सर। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बैठते हैं कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये कीजिए वो कीजिए, इनको पता ही नहीं कि बेटियां कहाँ हैं, ये हर जगह चिट्ठियां लिखती हुई घूम रही हैं बेचारी, इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि ये खाना खा सके। आप पानी पीजिए। अम्मा जी, एक दिन बदलाव आएगा, आपकी सुनने वाला एक दिन ज़रूर आएगा। आप जो कर रहे हो अपनी मांगों के लिए कर रहे हो, आप एक बहादुर औरत हो, आप कर रहे हो अपने बच्चों के लिए यहाँ कर बैठे हुए आप कर रहे हो, एक ना एक दिन कोई ज़रूर आएगा जो आपकी समझेगा, आपको सुनेगा, ज़रूर आएगा, आप भरोसा रखें। आप आपके पास इसकी फ़ोटोकॉपी भी है इसकी? हमें एक फ़ोटोकॉपी दे दीजिए आप इसकी, है ना? आप एक फ़ोटो आप निकाल लीजिए, मैं आता हूँ, मैं आपसे एक फ़ोटोकॉपी इसकी लेके जाऊँगा, हम बात करेंगे इसके लिए, ज़रूर कोई आएगा आपके पास। रमा, डॉक्टर रमा इंद्र कुमार, 22 वर्षों से रोज़ 48 या 24 घंटों की जो 1 से 6 भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्लस आंदोलन कर रहे हैं, यात्रा सत्याग्रह कर रहे हैं, 22वां साल है, उसकी मुख्य मांगे इस प्रकार है, देश एवं दुनिया में समाजवाद को लाओ। दूसरी मांग है, देश एवं दुनिया में पूंजीवाद को मिटाओ। तीसरी मांग है, देश एवं दुनिया में साम्राज्यवाद को मिटाओ। साम्राज्यवाद, मुर्दावाद, ये हमारी मांग है, इसको भी मिटाओ। और चौथी, साम्राज्यवाद को मिटाओ। चौथी मांग है, देश एवं दुनिया के दबे कुचले गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों, संघर्षशील नर नरों, नारियों, बच्चे बच्चियों की मांगों को, समाजवादी मांगों को पूरी की जाए। और पाँचवीं मांग है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों, क्रांतिकारी वीरों को शहीदी का दर्जा, क्रांतिकारी वीरों को शहीदी का दर्जा दिलाने उनको प्राप्त हो। ये 6 मांगों को मुख्य रूप से हमारी मांग है, जो दुनिया के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद को मिटाकर नकली समाजवाद को मिटाने के लिए, ये के लिए हमारी ये भूख हड़ताल चल रही है और चलती रहेगी। अखंड भारत बनाओ, यदि बन जाए तो ये और भी सोने में सुहागा हो जाएगा। सारी बात आ गई।